जी हाँ, हर बजट में संपूर्ण मांगलिक व्यवस्था और वो भी एक ही छत के नीचे। शुभ परिसर, पैराडाइज होटल, लक्की गार्डन, नार्मदीय धर्मशाला, गुरु नानक परिसर, बापू गार्डन, गंगराड़े धर्मशाला, अमृत गार्डन, छोटी छेगांव। जी हाँ, आप शादी तय करें और बस एक फोन हमें करें। आरएनके कैटरिंग एंड इवेंट्स, रितेश कपूर और श्याम कपूर साथ ही पाए एक विशेष ऑफर। जन्मदिन, सगाई, बीसी और छोटी पार्टियों के लिए शुभ परिसर और लक्की गार्डन में हॉल एकदम फ्री। खंडवा के कोतवाली थाने में हिंदू संगठन पदाधिकारी पहुंचे हैं। इनका कहना है कि नाम बदल कर एक लड़की को एक युवक ले गया है। सोंटी नाम बताकर लड़की को गुमराह करने का आरोप भी इन्होंने लगाया है। हिंदू जागरण मंच पदाधिकारी डॉक्टर अनीश अर्जहरे ने बताया कि हमने पुलिस को इस बारे में अवगत करा दिया है। मामला खंडवा के अमन नगर क्षेत्र का है। इन्होंने खंडवा के कोतवाली थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही कहा है कि पुलिस जल्द से जल्द लड़की को ढूंढ कर लेकर आए। इन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के मामले लगातार सामने आने की वजह यह है कि परिवार ध्यान नहीं दे रहा है। साथ ही बता दें कि लगातार इस तरह के मामले खंडवा में सामने आ रहे हैं। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी डॉक्टर अनीश अर्जहरे का क्या कहना है, सुनिए। आज बड़ा दुखद विषय यह है कि अमन नगर की एक बालिका हिंदू समाज की, एक मुस्लिम लड़का लेकर भाग गया है। पुलिस में उनके परिवार वालों को हम साथ में लेकर आए हैं। पुलिस से संपर्क हुआ है, उसकी पूरी डिटेल जानकारी दे दी है, प्रशासन का अवगत भी करा दिया है। बाकी बहुत जल्द उसको ले आए तो अच्छा है, नहीं तो हिंदू संगठन रोड पे आएगा। बालिक है, बाकी उसको नाम बदल कर सोंटी नाम बताया है उसने, गुमराह करके वो लेके गया है। तो प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द लेके आ जाए। पता यह है कि परिवार की गलती है इसमें, माँ बाप की गलती है। माँ बाप बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं और जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ के जो ऑनर लोग हैं, टीचर लोग हैं, वो लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। तो इस प्रकार का समाज जागरण की आवश्यकता है। जबकि ये जिम्मेदार लोग हैं, इन लोगों ने अपनी बेटियों पर ध्यान देना चाहिए, अपने स्टूडेंट पर ध्यान देना चाहिए।